हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। दुआ करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आपको मेरी और मेरे परिवार की तरफ से धनतेरस और दीपावली की शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ ये ग्लैमरस मेकअप लुक। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगा, और पसंद आए तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरा ये मेकअप लुक कैसा लगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं। और अगर आप सिंपल और इजी सा मेकअप लुक देखना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, वो भी मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा, आई एम श्योर आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि मैंने ये मेकअप लुक कैसे किया है। सो यहाँ पर मैं सबसे पहले लगा रही हूँ मॉइसॉफ्ट का मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र गाइस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है मेकअप से पहले, ताकि आपका जो मेकअप है वो पैची ना दिखे और केकी ना दिखे, क्योंकि मॉइस्चराइज़र से हमारी स्किन भी हाइड्रेट रहती है और हमारा मेकअप भी अच्छा दिखता है। और अगर आपकी ड्राई स्किन होगी ना, तो आपकी ड्राई स्किन में रिंकल्स और फाइन लाइंस होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए अपने फेस को मॉइस्चराइज करना बिल्कुल ना भूलें। सो गाइस, मैंने एलोवेरा जेल लगाई थी एज अ फेस प्राइमर, पर पता नहीं मुझसे वो क्लिप डिलीट हो गई है, तो सॉरी। मैं यहाँ पर ओलिविया पेनस्टिक लगा रही हूँ अब अपने फेस पर। इसमें मैं कोई भी कंसीलर वगैरह का यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि काफ़ी अच्छी पेनस्टिक है, एज अ फाउंडेशन भी काम करती है और एज अ कंसीलर भी बहुत अच्छा वर्क करती है। तो अब मैं इसे एक गीले ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी टैप टैप करते हुए। तो आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा ब्यूटी ब्लेंडर है, काफ़ी ईजिली आपके मेकअप को ब्लेंड कर देता है ये। अब मैं यहाँ पर लैक्मे लूज पाउडर की हेल्प से अपनी ओलिविया पेन स्टिक को जो मैंने लगाई थी फेस पर, उसे अच्छे से सेट कर लूँगी मैं। अब मैं इस पोली की हेल्प से अपनी आईब्रोज को फिल कर लूँगी। और आप देख सकते हैं गाइज, इस ओलिविया पेन स्टिक की हेल्प से मेरे सभी डार्क सर्कल्स और डार्क स्पॉट भी हाइड हो गए हैं, और जो भी पिगमेंटेशन थी वो भी इसने हाइड कर दी है। तो उसके लिए आपको अलग से कलर करेक्टर वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, आप देख सकते हैं। तो मुझे ये पेंसिल काफ़ी अच्छी लगी है वैसे, आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। लिंक मैं इसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट, मैं ये ब्रश की हेल्प से अपनी आईब्रोज को कॉम कर रही हूँ, ताकि मेरी जो आईब्रोज अच्छे से सेट हो जाए। अब मैं ये हिलेरी रूडा के पैलेट से ट्रांजिशन कलर लूँगी और अपनी क्रीज लाइन पर अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी इसे लगाते हुए। और मैं इसे तब तक ब्लेंड करूँगी गाइस, जब तक कि मुझे मेरा डिज़ायर कलर नहीं मिल जाता। नेक्स्ट, मैं यहाँ पर लगा रही हूँ ब्लू कलर का ये आई शेडो, जो कि मेरे ड्रेस के साथ बहुत ही अच्छे से मैच हो रहा है। आप देख सकते हैं, टर्कोइज ब्लू और या ग्रीन सा कलर होता है ना, वो उस टाइप का कलर है। तो आप देख सकते हैं, मैंने इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया, और मैंने इसे सिर्फ आउटर वी पर ही लगाना है, आगे तक मैं नहीं लेकर आऊँगी इस कलर को। नेक्स्ट, मैंने ये ग्रीन कलर लगाया है, उसी शेड के ऊपर मैं ये कलर लगा रही हूँ गाइस, और इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, वहीं पर ब्लेंड करूँगी, आगे नहीं लेकर आऊँगी। नेक्स्ट, मैं कंसीलर की हेल्प से अपनी जो आप देख सकते हैं एक विंग्ड बनाया मैंने आउटर वी पर। इससे गाइस क्या होता है कि आपका आई शेडो एक्स्ट्रा बाहर नहीं जाता है, जो निकल आता है काफ़ी बार। अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है आई शेडो लगाने की, तो आप ये ट्रिक को ज़रूर आजमाइए, बहुत अच्छी ट्रिक है। इससे आपका आई लाइनर भी बहुत अच्छे से लगेगा, और आपका आई लाइनर ख़राब भी नहीं होगा, और आई शेडो की शेप्स भी काफ़ी अच्छी दिखती है इससे, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, मैं एक बार और ये ग्रीन कलर लूँगी और इसे अच्छे से आउटर वी पर इस तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। अब आप देख सकते हैं, ये इसी पैलेट से मैं लूँगी गोल्डन कलर, ये गोल्डन शिमर शेड है, और मैं फिंगर की हेल्प से इसे लगा लूँगी इस तरीके से, और जो भी मेरी आईलिड पर जगह खाली थी उस तरीके से मैं लगा लूँगी, क्योंकि मैंने जो ब्लू कलर का आई शेडो लगाया है वो पूरी आईलिड पर नहीं लगाया था। अब मैं यहाँ पर मैक का आईलाइनर लगा रही हूँ। आप चाहें तो विंग्ड आईलाइनर भी लगा सकते हैं, या जोन सा भी आपको पसंद हो उस टाइप से आप लगा सकते हैं आईलाइनर। अब मैं ये आईलैश कर्लर की हेल्प से अपनी आईलैशेस को कर्ल कर लूँगी। नेक्स्ट, मैं यहाँ पर लगा रही हूँ मैक का मस्कारा। आपके पास जो भी मस्कारा हो, जो भी मेकअप प्रोडक्ट्स हो, वो आप यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो आप भी करें। आपके पास जो भी मेकअप प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो गाइस, वो आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, मैं यहाँ पर लगा रही हूँ ब्लू हेवन का काजल,
और अब आप देख सकते हैं मैं के आईलाइनर से मैं आउटर वी पर थोड़ा सा आईलाइनर को आगे की तरफ लेकर आऊँगी, जस्ट एक अच्छी से शेप देने के लिए मैं ये कर रही हूँ गाइस, और पूरी और ताकि मेरी आईज और बड़ी दिखे और अच्छी दिखे, खूबसूरत दिखे। आपको ये ट्रिक आती हो या अगर आप एक्सपर्ट हो तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं अपने फेस को कंटूर कर रही हूँ और इस वक्त मैं बाहर देख रही थी चिड़िया, बहुत अच्छी एक स्पैरो बैठी हुई थी बाहर तो वो देख रही थी, तो मैं अच्छे से अपने फेस को कंटूर कर रही हूँ यहाँ पर। अभी विंटर स्टार्ट हो चुके हैं तो इसीलिए मैंने यहाँ पर क्रीम कंटूरिंग यूज़ की थी। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ, आप देख सकते हैं स्विस ब्यूटी का ये ब्लश पैलेट है गाइस, इसका रिव्यू बहुत जल्द आप मेरे चैनल पे देखेंगे, बहुत ही अच्छा पैलेट है गाइस, इसकी काफ़ी तारीफें सुनी थी मैंने, तो फाइनली मैंने नया ब्लश पैलेट एक खरीद लिया है और अभी बस जस्ट 2-3 दिन पहले ही मुझे रिसीव हुआ है। तो आप देख सकते हैं कितना क्यूट से इसके शेड है, कितने प्यारे प्यारे शेड्स हैं इसमें, तो इसका रिव्यू बहुत जल्दी आप चैनल पर देखेंगे, डोंट वरी। तो अब मैं हाईलाइटर लगा लूँगी, तो ब्लश मुझे बहुत ही अच्छे लगे हैं इसके, क्योंकि ब्लश में आपको काफ़ी ऑप्शन मिल जाते हैं इसमें, तो काफ़ी अच्छा है, इसकी पिगमेंटेशन भी काफ़ी अच्छी है, आप देख सकते हैं काफ़ी नेचुरल लुक देता है। नेक्स्ट मैं लगा रही हूँ लिप लाइनर, आपको जोन सा भी लिपस्टिक का शेड पसंद होगा गाइस वो आप लगा सकते हैं, मैं यहाँ पर ADS की ये मेजेंटा पिंक कलर की लिपस्टिक लगा रही हूँ। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि मैंने ऑफ कैमरा अपनी आईलैशेस को लगाया था और बस इसे थोड़ा सा मैं सेट कर रही हूँ जस्ट, ताकि अच्छे से फिक्स हो जाए ये। अब मैं लगा लूँगी मस्कारा, मैं मेकअप फिक्सर लगा रही हूँ अपने मेकअप को अच्छे से सेट करने के लिए, फिक्स करने के लिए। सो गाइज ये है मेरा फाइनल लुक, आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा, और पसंद आए तो प्लीज़ गाइज मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले, कमेंट करके प्लीज़ बताइए ब्रो यार आपको मेरा मेकअप लुक कैसा लगा, आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ गाइज, आप प्यारा सा एक कमेंट तो कर ही सकते हैं मेरे लिए, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ के वाकई दिल खुश हो जाता है, उनका रिप्लाई करना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और बहुत ज़्यादा पसंद भी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलेगा, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, और गाइज मेरे सभी सोशल मीडिया लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज यूजुअल मिल जाएंगे, तो प्लीज़ एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। प्लीज़ गाइज अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल बटन ऐसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी न्यू वीडियो मिस ना हो। सो गाइज मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।